हल्द्वानी के विभिन्न इलाकों में इन दिनों शारदीय नवरात्र के मौके पर आयोजित होने वाली रामलीलाओं के पूर्वाभ्यास का दौर शुरू हो गया है। हल्द्वानी की ऊंचा पुल की सबसे पुराने रामलीला में स्थानीय कलाकार प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहले नवरात्रि से शुरू होने वाले इस रामलीला के सभी पथ इन दिनों पूर्व अभ्यास में जुटे हुए हैं। पिछले 50 सालों में लगातार आयोजित हो रही ऊंचा पुल की रामलीला का अपना इतिहास रहा है। यहाँ इसके स्थानीय कलाकार रामलीलाओं में मंचन करने के साथ ही देश दुनिया में अनेक जगहों पर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। इस रामलीला से जुड़े कलाकारों का कहना है कि 1 से 1.5 महीने पूर्व अभ्यास के बाद पहले नवरात्रि से दर्शकों और स्थानीय लोगों के समक्ष सुंदर रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। हमारी इस रामलीला का अपना एक महत्व है, जो कि बच्चों को संस्कारवापन बनाने का प्रयास करता है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस विषय में मेरा कहना यह है कि ये मंच जो है माध्यम है हमारे जो स्थानीय क्षेत्र के कलाकार हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो इस मंच में इस क्षेत्र के जितने भी छोटे बड़े कलाकार हैं उन सबको उनकी कला को उभारने का छोटा प्रयास हमारी तरफ से किया जाता है। और हाल पे हम लीला को कर रहे हैं और उस टाइम जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। आज जितने भी पात्र यहाँ हैं सयाने हो गए हैं वो मेरे सामने बच्चे थे और मैं उनकी सेवा पूरा करते रहा हूँ इस रामला के मंचन के बीच। हमारी जो रामला यहाँ पर हो रही है 45 साल लगातार 45 साल से हो रही है। ये यहाँ पे जितने भी कलाकार हमारे हैं सब ये लोकल के हैं और इन लोगों को जो हम आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे कलाकार हैं यही हमारे यहाँ पे करते हैं, बाहर से हम कोई कलाकार यहाँ पर लाते नहीं है। हाँ, ऊंचा पुल की रामलीला में हर हमेशा हम नया करने की सोचते हैं क्योंकि हमारे कलाकार हैं यहाँ पर, स्थानीय कलाकार हैं, हमारे क्षेत्र के सभी कलाकारों को हम मंच देते हैं। हाँ, ये है कि जो कलाकार पिछली बार के होते हैं थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर नए कलाकारों को भी यहाँ पर मिलता है, वो भी हमारे लोकल के ही कलाकार हैं।